हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, आज आपके सामने स्केचिंग के बारे में अगली क्लास में हम प्रैक्टिस के हिसाब से आपको कुछ पढ़ाई कराएंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ आपको डेमो के द्वारा कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप घर पे भी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था वैसा आप घर पे भी अपने प्रयास कर रहे होंगे। यह विषय, इस विषय में ऐसा माना जाता है या ऐसा होता है कि आपको दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना पड़ेगा, जिससे ही आपकी कला में सुधार आ पाएगा। अन्यथा एक दिन प्रैक्टिस करते हैं और चार दिन छूट जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। इसलिए आपको हर दिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको दिन में से कम 5 से 7 स्केच बनाना बहुत ज़रूरी है। यह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बनाना बहुत आवश्यक है। तो इनको आपको बनाना चाहिए और उसके लिए मैं डेमो दे सकता हूँ। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको समझना है कि कैसे हम उसको बनाएं, कैसे ड्रॉ करें। और मन में जो हेजिटेशन होता है, जो संकोच होता है, एक डर होता है कि कैसे बनाएंगे, उस डर को आपको निकालना चाहिए। और आपको प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि हम कर रहे हैं कि पहले के क्लासेस में हमने समझा, सोचा कि प्रैक्टिस भी की, डेमो भी देखा, तो नाक और कान को थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया हमने। अब आगे की जो क्लास है उसमें आपको इसको बनाना अति आवश्यक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसा कि, और ड्रॉ करना चाहिए। ये हमारा चित्र धरातल हो गया। इसके अंतर्गत हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए आप इसमें डिटेलिंग में न जाके आप इसको बना सकते हैं। ये इस प्रकार से हम
इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और आकार भी बना सकते हैं। इस आकार के अतिरिक्त भी और आकार बना सकते हैं। रबड़ का कम से कम उपयोग करें। इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहाँ जरूरत लग रही है लाइट एंड शेड की, कहाँ हमें देना है लाइट एंड शेड, उसको हम को देखना चाहिए। ये 6B पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए मैंने हट बनाई है एक, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो ये सारे जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
इस प्रकार से हमको ड्रॉ करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि कैसे हम किसी आकृति का निर्माण किस प्रकार से फ्री हैंड रह के करते हैं। जैसे सभी विद्यार्थी अधिकतर ग्रामीण परिवेश से हैं, तो गांव में उमने में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हम बना सकते हैं, थोड़ा सा कहीं शेडिंग दे सकते हैं। तो निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए, इसी से आगे की इन चीज़ों को बनाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो आशा करता हूँ, या आशा है नहीं, विश्वास है कि आप घर पे भी इनको सभी को बना रहे होंगे और निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे, क्योंकि हमको सबमिशन भी जमा कराना है और जमा कराना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं, हमको आना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमको किस प्रकार से किसी चीज़ को कैसे ड्रॉ करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि 6B और 4B और 8B पेंसिल आपने खरीद ली होगी और उससे निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। इसी प्रकार से अगली इन क्लासों से जुड़े रहें, तो आशा नहीं विश्वास है कि तुम आप सभी विद्यार्थी सभी अच्छा काम कर रहे होंगे और निरंतर से निरंतर अच्छा अभ्यास कर रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।